नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। रम्या रामायण की कथा सुना रहा हूं। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के इस चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से हनुमान जी ने जो स्वयं लंकिनी, जो लंका की अधिष्ठात्री है या लंका नगरी ही, जो स्वयं लंकिनी के रूप में वहां थी, उसको मुष्टि प्रहार करके और व्याकुल बना दिया। वो स्वयं की पराजय का स्वीकार करती है और हनुमान से ये कहती है। तुलसीदास ने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। देखिए, किसी कार्य को आप करने के लिए जाते हैं तो प्रथम सफलता आपका उत्साह आपको दिलाता है, आपकी निष्ठा, आपका उत्साह आपकी पहली सफलता का कारक होता है। जैसे ही जामवंत ने हनुमान जी को जागृत किया, उनका उत्साह पराकाष्ठा पे है। जब उन्होंने लंका के लिए प्रस्थान किया है तो उन्होंने ये कहा कि ये 100 योजन समुद्र की तो बात क्या है, मैं सूर्य उदय से अस्त हो उससे पहले, सूर्य उदयाचल से अस्ताचल पहुंचे उससे पहले मैं उदयाचल से अस्ताचल जाकर के और फिर उदयाचल तक वापस आ सकता हूं। और ऐसा नहीं कि ये खाली बोलने के लिए उत्साह था। समुद्र के बीच में मैनाक पर्वत ने जब उनसे कहा कि थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, तो उनका उत्साह उतना ही अदम्य है। उस समय भी वो मैनाक पर्वत से यही कहते हैं कि नहीं, मित्रों से मैंने ये कहा है, जब तक संपूर्ण कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। इसलिए विश्राम ये तो आलस्य कारक होता है ना, तो हनुमान उसका स्वीकार नहीं करते हैं। हनुमान जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, लंका पहुंच गए, बीच में सिंघिका को मारा, सुरसा से अपनी बुद्धिमानी से उनको जीता, लंका पहुंचने के बाद भी उनके मन में या उनके शरीर में थकान का कोई अंश नहीं है। इसको मैंने पिछले वीडियो में व्यक्त किया था, क्योंकि स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि वहां पहुंचने के बाद भी न तो उनको श्वास चढ़ा है, न उनको शारीरिक थकान महसूस हो रही है। और वहां फिर से हनुमान इस बात को कहते हैं कि अरे, ये तो 100 योजन का एक समुद्र था, ऐसे तो हजारों योजन मैं ऐसे खेल खेल में पार कर सकता हूं। तो हनुमान जी सफल, उसके लिए पहला तो जो उनका ये अदम्य उत्साह है, ये उसका कारण था। फिर व्यक्ति जो बुद्धिमानी का प्रयोग करता है, उसका प्रयोग करके, लेकिन जैसे ही लंकिनी ने उनको रोकने की कोशिश की, लंकिनी पे मुष्टि प्रहार करके जिस प्रकार से उन्होंने उसको व्याकुल बना दिया, और स्वयं जिस देश में आप प्रवेश कर रहे हैं उस देश का जो मूल है, मैं उसके राजा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके स्वामी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस देश की बात कर रहा हूं। हम इसी संस्कृति में से आते हैं। यह गंगा नदी भी है और गंगा एक शांतनु की पत्नी भी है। यहां भारत जो भूमि है वो देश भी है, और यहां भारत माता के रूप में भी हम उनको जानते हैं। तो स्वयं लंकिनी ने जब उनसे ये कह दिया, तो उस लंका नगरी में हनुमान निश्चिंत होकर प्रवेश कर सकते हैं। ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है, क्योंकि उनके कार्य की सफलता का आप ये मान लीजिए कि आधा अभियान यहां पूरा हो गया है, आधा अभियान यहां पूरा हो गया है, क्योंकि लंकिनी ने स्वयं इस चीज को स्वीकार कर लिया। अब हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं, लेकिन फिर भी जिसको हम सीधे शब्दों में कहें कि सतर्कता जो है वो कभी कायरता नहीं हुआ करती है, हनुमान उसी का प्रयोग करते हैं, मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि अभी भी उनका मानना यह है
कि मुझे, जैसा कि हम देख चुके हैं कि लंका की सुरक्षा और सारी चीजों को देख करके एक बार तो उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि राम यहां आएंगे तो आके करेंगे क्या। तो यहां पे हनुमान जी उसी बिल्कुल उसी सतर्कता के साथ एक जिसको प्राचीर कहते हैं, प्रविश्य नगरीम लंकाम कपिराज हितंकरहा चक्रेथ पादम सभ्यम चा शत्रुणाम सतुमूर्धनी, उस प्राचीर से अंदर प्रवेश करते हैं, यानी एक बाउंड्री जिसको हम कह सकते हैं, उस दीवार को कूद करके लंका में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब लंका में अपना उनको पैर रखना है तो बायां पैर रखते हैं, दाहिना पैर पहले नहीं रखते हैं, क्योंकि ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी आप किसी दुश्मन के घर जाते हैं तो आपको बायां पैर पहले अंदर रखना चाहिए। तो यहाँ हमें कुछ सीखना चाहिए। मेरा आशय सिर्फ इतना है कि आप अगर कहीं जाते हैं तो इन चीजों का ख्याल करना चाहिए कि आप किसी के घर में प्रवेश कर रहे हैं, अगर वो आपका मित्र है तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि उसके घर में प्रवेश करने के टाइम पे हम दाहिना पैर पहले उसके घर में रखें। मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि वर राजा अगर उतरते हैं और कार में वो आए हैं और वो लेफ्ट साइड ड्राइवर के बगल में बैठे हुए हैं, ये अमेरिका तो है नहीं कि लेफ्ट साइड ड्राइविंग हो, तो राइट साइड ड्राइविंग में जब वो लेफ्ट साइड बैठे हैं नीचे उतरेंगे तो बायां पैर पहले नीचे जाएगा। लेकिन नहीं, आप घूम करके पहले दायां पैर नीचे रख सकते हैं, लेकिन ये आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लंका में प्रवेश करने के साथ ही जैसे ही हनुमान देखते हैं सारी लंका नगरी प्रकाश पुंज से नहाई हुई है। हमने वर्णन किया था कि शुक्ल पक्ष होगा क्योंकि चंद्रमा की चांदनी खिली हुई है, चारों तरफ जहां उनकी नजर जाती है प्रकाश प्रकाश, सारे भवन सारे मार्ग सभी जगह, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां छुप करके जाया जा सके। लेकिन जैसा हम देख चुके हैं हनुमान ने एक विशिष्ट रूप जिसको हम कह सकते हैं कि अद्भुत रूप, ऐसा वाल्मीकि ने उपयोग किया था, तुलसीदास ने तो लिख दिया मशक समान, लेकिन यहाँ ऐसा उल्लेख नहीं है। उन्होंने एक विशिष्ट आकृति धारण की है जिसको देख करके सभी लोगों को एक आश्चर्य हो सकता है, लेकिन कोई भी उस आकृति को देख करके उसके ऊपर शंका खड़ी हो या उसके बारे में कुछ सोचने लग जाए, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। तो लंका में उन्होंने विचरण करना शुरू किया, एक के बाद एक भवन दिखाई देता है, एक के बाद एक उपवन बगीचा, सब कुछ देखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ की समृद्धि, यहाँ की संपत्ति, सोने के बने हुए भवन, उनमें मोतियों की जड़ी हुई खिड़कियाँ, ये सारी चीजें जो महर्षि वाल्मीकि ने इनका वर्णन किया है अद्भुत है। मतलब स्वर्ग की अलका नगरी भी इस लंका का जो सौंदर्य है उसके सामने बिल्कुल फीका पड़ जाए, इस प्रकार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि ने। वर्णन करते हुए जब लंका के निवासियों का वर्णन किया तो उसमें वो कहते हैं कि कुछ राक्षस तो ऐसे हैं जो बड़े ही मजबूत हैं, विशालकाय हैं, कुछ राक्षस ऐसे हैं कि जो एक ही आंख वाले हैं। एक दो श्लोक देखते हैं बड़े सुंदर हैं, एकाक्षे नेक कर्णांश चल लंब पयोधरान करालान भुग्न वक्त्रांश विकटान वामनांश तथा, यानी एक आंख वाले, एक कान वाले हैं, अनेक कानों वाले, छाती से लंबे लंबे जिनके स्तन नीचे लटक रहे हैं, देखने में अत्यंत भयंकर, कुछ वक्त्रांश से भुग्न वक्त्रांश टेढ़ा मेढ़ा मुंह है जिनका, विकटान वामनान तथा, कुछ विकट विशाल काय हैं और कुछ वामन बहुत छोटे बौने साइज के हैं। हर तरीके के राक्षस वहां देखने को मिल रहे हैं, धनविना धनुषधारी, खड़गिना खड़गधारी, शतघ्नि मुसलायुधान, शतघ्न मुसलायुध, ये सारे युद्ध के जो हथियार हैं उनका वर्णन है। परिघोत्तम हस्तांश विचित्र कवचोज्वलान, जिन्होंने हाथ में परिघ ले रखे हैं, विचित्र प्रकार के कवच। देखिए जब शरीर विचित्र होगा तो कवच भी आपको विचित्र ही बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से नाति स्थूला
नाति कृशा, नाति दीर्घा, नाति ह्रस्वकान, नाति गौरान, नाति कृष्णान, नाति कुब्जान न वामनान। और ऐसे भी राक्षस हैं जो बड़े ही सुंदर उनको कहा जा सकता है, नाति स्थूला जो बहुत मोटे नहीं है, नाति कृशा बहुत पतले नहीं है, एकदम सिक्स पैक जिनकी बॉडी हो है, नाति दीर्घा बहुत लंबे नहीं कि छत से लग गए पता चला व्यक्ति ऊपर मुंह करके उनसे बात करनी पड़े, नाति रुस्वान बहुत छोटे कद के नहीं, बौने कद के नहीं, नाति गौरान, नाति कृष्णान बहुत गोरे नहीं, काले नहीं, नाति कुब्जान न बामनान और कोई शारीरिक विकृति जिनमें नहीं, और जो बौने भी नहीं। जब इन वर्णों को देखते हैं तो हमें सारे आर्मी मैन याद आते हैं कि आर्मी की जिस समय आप 26 जनवरी की परेड देखें जो सारे सैनिक एक साथ चलते हैं, देखिए उनका डी लौर कद काटी सब चीज़ें कितनी उत्तम होती हैं, और जब वो परेड करते हैं एक साथ में कितना सुंदर लगता है। तो इस प्रकार की भी उनकी सेना थी, लाखों सैनिक वहाँ पे हनुमान ने देखे हैं, तरह तरह की शक्ल सूरत के जैसा कि वर्णन किया, तरह तरह के आयुध जिन्होंने धारण कर रखे हैं, और इसके बाद जो बहुत सुंदर हैं ऐसे राक्षसों को भी देखा है। न तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटक तोरणम रक्षोधिपतिर निर्दिष्टम दर्शांतः पुराग्रता। अब हनुमान को तो ये सारी चीजें उनका लक्ष्य नहीं है ना, उनका लक्ष्य तो सीता को ढूंढना है, इसलिए वो यहां से वहां सब जगह घूम रहे हैं। देखिए लंका नगरी इतनी सुंदर, वहां का पूरा वातावरण इतना सुंदर, सब कुछ उत्तम हो और ऐसे में आकाश में इस प्रकार का सुंदर चंद्रमा दिखाई दे, इससे सुंदर वातावरण का वर्णन कम ही मिल सकता है। वर्णन के लोकस्य पापानि विनाशयन्तम् महोदधिं चापि समेधयन्तम् भूतानि सर्वाणि विराजयन्तम् ददर्श सीतांशु मथाभियान्तम्। संसार के पापों का जो विनाश कर रहा है, महोदधिम चापि समेधयन्तम् जो समुद्र की जल निधि है उसको उत्तेजित बना रहा है, भूतानि सर्वाणि विराजयन्तम् समस्त लोगों के जीवन को जो प्रकाशित कर रहा है। देखिए सूर्य के प्रकाश का एक महिमा है, लेकिन औषधि राज चंद्रमा को कहा जाता है, यानी अगर हमें जीवन चलाने के लिए प्रकाश सूर्य प्रदान करता है, ऊर्जा सूर्य प्रदान करता है, तो उस ऊर्जा को संचित करने की जो औषधियां हैं या जो शारीरिक शक्ति है वो हमें चंद्रमा प्रदान करता है। चंद्र को मन का कारक माना जाता है, जैसे मन चंचल है ना, ऐसे ही चंद्रमा भी एक राशि पे ढाई दिन ही रहता है, ऐसा ज्योतिष का विधान है। सारे जो ग्रह हैं नवग्रह उनका सबका काल निश्चित है कि कौन कितने समय एक राशि पे रहेगा, लेकिन उसमें सबसे कम समय किसी राशि पे रहता हो तो चंद्रमा है, इसलिए उसको मन का कारक माना जाता है। और मन अगर आपका थोड़ा सा भी इधर उधर है तो आपको चंद्र की आराधना करनी चाहिए। मन को शांत रखने के लिए लोग बाग चंद्र की उपासना करते हैं, सोमवार का व्रत भी आप कर सकते हैं, और आप अपनी छोटी उंगली में एक सुंदर मोती चांदी में पहन सकते हैं। अगर आपको मन की मानसिक कोई परेशानी रहती है तो वो आपको लाभदायक हो सकता है। तो सर्वाणि भूतानि विराजयन्तम् ददर्श सीतांशु मथाभियान्तम्। इस प्रकार के चंद्रमा को आकाश में उदित होते हुए हनुमान ने देखा है। या भाति लक्ष्मीर्भुवि मंदरस्था तथा प्रदेशेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराजसा चारु निशाकरस्था। मैंने कहा कि बिल्कुल ही यहाँ कवि जागृत हुआ है, सारे वर्णन ये पूरा अध्याय के सारे श्लोक आप बोलते चले जाइए। हंसो यथा राजत पंजरस्था सिंहो यथा मंदर कंदरस्था वीरो यथा गर्वित कुंजरस्था चंद्रोपि बभ्राज तथाम्बरस्था। सभी जगह अनुप्रास का बड़ा सुंदर उपयोग है, मैंने पहले भी जब वसंत वर्णन किया है, जब वर्षा वर्णन किया है, तब भी महर्षि वाल्मीकि ने इसी प्रकार से सुंदर कविता का प्रयोग किया है। और यहाँ इस प्रकार से इस पांचवें अध्याय में
कथानक आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन हनुमान जब चांदनी रात देखते हैं और उस चांदनी रात में लंका नगरी की जो शोभा देखते हैं वो बड़ी ही मनोहारी है, और उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ महाकवि, मैं महर्षि वाल्मीकि नहीं कह रहा हूँ, महाकवि वाल्मीकि ने किया है। कहीं तदर्श कांताश्च समापलंता, कोई अपनी पत्नी के साथ आलाप कर रहा है, प्रेमालाप कर रहा है, इस स्थिति को देखा। तथा परास्तत्र पुनः स्वपंत्या, कुछ ऐसे लोगों को देखा जो अपनी नींद में सो गए हैं, भाई रात्रि है, चंद्रमा है, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर कुछ ऐसा स्थिति माहौल नहीं है तो व्यक्ति सो ही जाएगा, रात्रि तो सोने के लिए होती है। स्वरूप वक्त्राश्च तथा हसंत्या, कुछ बड़े ही सुंदर चेहरों को बड़े अच्छे ढंग से हंसते हुए देखा है। क्रुद्धा पराश्चापि विनिश्वसंत्या, और कोई क्रोधित व्यक्ति किसी बात के लिए, नायिका ने अगर नायक की बात का स्वीकार ना किया हो तो हो सकता कि फिर वो गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाए, या नायक ने नायिका का कहीं अनुमोदन ना किया हो। तो इस प्रकार से प्रत्येक तरह का वातावरण इस चांदनी रात का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। तो लंका नगरी में प्रवेश करके हनुमान ने लंका नगरी में सीता की खोज प्रारंभ कर दी है, और उस समय लंका का जो वर्णन है वो बड़ा ही सुंदर ढंग से किया गया है। आगे की कथा कि सीता को हनुमान कहाँ कहाँ ढूंढते हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।